हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर यहाँ पे मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, क्योंकि इस भाई ने मेरे को ये वाला जो सैंपल है वो दिया और बोला है कि भाई मैंने बहुत ट्राई किया फिर भी मेरे से ये सैंपल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो मैं अपने यहाँ पर अपने ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो इस वीडियो मैंने यहाँ पर अपना ट्रिक ब्राउज़र यूज़ किया है। तो आपको अपनी आई डी को लॉगिन कर देना है, जो आपकी आई डी अपडेट नाम से वापस आ जाए, डोंट अपडेट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके के अंडर फेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चूज फाइल में आ जाना है। चूज फाइल में आने के बाद आपको आईडी का वो स्क्रीनशॉट डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पे अपना इमोजी लगा देता हूँ। तो ये वाला जो सैम्बल है वो मैं यहाँ पे इमोजी से एक्सेप्ट करवा के दिखाने वाला हूँ आपको। तो मैंने इमोजी लगा दिया। उसके बाद लास्ट बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो लास्ट बॉक्स में फिर से मैं यहाँ पे ये वाला जो सैम्बल है इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको करने क्या है, तो सिंपल सा फंडा है, आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इतना काम करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो पूरा हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरे फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो दूसरे फॉर्म में आपको ऊपर वाले बॉक्स से लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करके फिर से आपको यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में चूज फाइल में आ जाना है। चूज फाइल में आने के बाद आपको स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नेम में आपको वो निकनेम डाल देना है जो अपने आईडी का अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो निकनेम डाला था। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बॉक्स में आपको कोई भी दो कैपिटल वर्ड डाल देने हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर करना होता है इसको सबमिट। सबमिट कैसे करना है, जो सैम्बल वाला बॉक्स है उसको फर्स्ट टैप में और जो निकनेम वाला है उसको सेकेंड टैप में। तो जैसे ही आप यहाँ पर इतना काम करोगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैम्बल है वो यहाँ पर फेसबुक टीम को सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। इतना करने बाद आपको कर देनी है अपनी आईडी को लॉकआउट। और आईडी लॉकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ देर का वेट कर लेना। अगर आपका सैंबल एक्सेप्ट नहीं होता है तो कोई मसला नहीं है, आपको दो अपील कर लेनी है। अगर दूसरी अपील में भी आपका सैंबल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आपको तीन अपील कर लेनी है। इसी तरीके से आपको करते जाना है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैंपल है वो यहां पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी आईडी को लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो जैसे ही मैंने यहां पे लॉगिन पे क्लिक किया कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैंपल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर करना है अपडेट नेम। तो अपडेट नेम करने के बाद मैं पहले यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट नेम कर देना है। अपडेट नेम करने के बाद आपको यहाँ पे गो टू न्यूज़ फीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे गो टू न्यूज़ फीड पे क्लिक करोगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो आईडी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे अपनी आईडी की प्रोफाइल चेकआउट करवा देता हूँ। तो जो मेरी आईडी का सैंपल है वो एक्सेप्ट होने के बाद कैसा लग रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैंपल है वो यहाँ पे कितना यूनिक लग रहा है और कितना मस्त लग रहा है। मतलब अभी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो फेसबुक पर जो मतलब बंदा जितनी ज़्यादा स्टाइलिश अकाउंट बना लेता है वो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है अभी के टाइम पर। तो यही सीन है फेसबुक का। तो यहाँ पे मैं ये बात चेकआउट मतलब बोल देता हूँ आपको पहले से, ये वाला जो सैंपल है वो मैंने दूसरी आईडी पे मतलब एक्सेप्ट करवाया है, क्योंकि जिस आईडी पे मैंने अपील की थी जो पहले मैंने वीडियो में जो अपील की थी वो आईडी दूसरी थी और ये आईडी जो है वो दूसरी है। क्योंकि उस आईडी पे भी ये वाला जो सैंपल है वो एक्सेप्ट हो गया था, और उसके बाद जैसे ही मतलब सैंपल एक्सेप्ट हुआ तो वो जो आईडी है वो वहाँ पे उड़ चुकी थी, मतलब कि फेसबुक यूज़र बन चुकी थी। तो मैं यहाँ पे आपको हार्ट नेम मतलब आपको शो भी करवा दूंगा। तो अगर आप मेरी ट्रिक से करोगे तो सेम आपको नाम चेंज ऑर्डर भी मिलेगा, आपका सैंपल भी एक्सेप्ट होगा। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से अपना मतलब नाम चेंज ऑर्डर कर लेना है, पासवर्ड देने के बाद शो कर लेनी है अपनी स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी पर जो मेरा हार्ट नेम प्लस इमोजी है वो मतलब यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले अकाउंट बनाया था मतलब वो डिसेबल हो चुका है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इस आईडी पे ये वाली जो आधी वीडियो थी उसको पूरा किया है। तो पहले मैंने यहाँ पे इस आईडी पे ये वाला जो सैम्बल है उसको एक्सेप्ट करवाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब ये जो जीमेल अकाउंट है वो बिल्कुल ही अलग है। तो मेरा अभी यहाँ पर भी मेरा सैम्बल एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन पता नहीं वो मैं फेक जिस भाई की आईडी थी ना उस भाई ने यहाँ पे फेक ईमेल से या जो भी था उसका मैटर वो मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे उस भाई की ये जो आईडी है वो फेसबुक यूज़र बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो उस आईडी का पासवर्ड दे के आपको यहाँ पे चेकआउट करवा देता हूँ, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ये वाला जो अकाउंट है वो मतलब दूसरी आईडी पे ये वाला नाम एक्सेप्ट कर पाया और आपको दिखाया है। तो ये वही आईडी है जो मैंने मतलब निकनेम डाला था खान और रुपया।
तो ये वो वाली आईडी है, तो मैंने बाद में दूसरी आईडी पे उस भाई के लिए मतलब वो सैंपल एक्सेप्ट करवा दिया, क्योंकि काफ़ी मेरा ओल्ड सब्सक्राइबर भी है और मेरे से बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहा था। और हाँ, काफ़ी सारे बंदे बोलते हैं कि मतलब आप फेसबुक पे रिप्लाई नहीं करते, तो भाई यार मैं अभी के टाइम पे बता रहा हूँ, मैं फेसबुक पे ऑनलाइन नहीं जाता, बस इंस्टा पे रहता हूँ, तो जिसकी जो भी बात है